निकल योगी सर को मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि डियर सर मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने उनको बोला कि डियर सर मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अजय राज प्रजापति है, तो क्या मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल अजय राज प्रजापति कर दूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये डाउट आता होगा कि मुझे अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी वीडियोस वायरल नहीं होती, मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते, मेरे YouTube चैनल का नाम गलत है। और आप सबको मैसेज करके पूछते हो, ईमेल करते हो, मुझे भी मैसेज आते हैं कि अजय भाई मैं अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपने YouTube चैनल का नाम रखना चाहता हूँ, मुझे नाम बताओ कि मैं कैसा नाम रखूँ, कौन सा नाम रखूँ, मेरा चैनल ग्रो नहीं करता, तो क्या मैं अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लूं कि नहीं करूं, प्लीज अजय भाई मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे भी ये डाउट हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लूं जिससे मेरे चैनल ग्रो होने लगेगी, मेरे वीडियोस पर व्यूज आने लगेंगे, ये मुझे डाउट गया। तो मैंने सोचा चलो अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लेता हूं। लेकिन मेरा एक तरीका है, मैं ऑलवेज ऐसे लोगों से सीखता हूं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में वो सक्सेस हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट लेके रखी हैं और उन्हें सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार उनसे पूछते हैं और फिर मैं जो काम करना है, यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना है, पूछने के बाद मैं चेंज कर दूंगा। तो मैंने सीधा टेक्निकल योगी सर को मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि डियर सर मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने उनको बोला कि डियर सर मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अजय राज प्रजापति है, तो क्या मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल अजय राज प्रजापति कर दूँ। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि चैनल का नाम बड़ा हो जाएगा और चैनल के नाम से कोई लेना देना नहीं होता है, जो कुछ भी लेना देना होता है आपके काम पर लेना देना होता है कि आप काम कैसा करते हो, लोगों को आपका काम पसंद आता भी है कि नहीं नहीं पसंद आता है, आप वीडियोस कैसा बनाते हो, लोगों को आपके वीडियो से मदद होती है कि नहीं होती है। तो जब इन्होंने ये बोला तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये हुआ कि सही बात है, मुझे अपने YouTube चैनल का नाम चेंज नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी ये सोचते हो कि मुझे अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लेना चाहिए, और जो मैंने ये किया ये सिर्फ देखने के लिए है और वीडियो बनाने के लिए है, आप तक ये वीडियो मैं पहुंचा सकूं, आपको मैं क्लियर तरीके से बता सकूं कि अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने एक ऐसे पर्सन से पूछा है जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, जिनके चैनल पर 7.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और वो अर्निंग भी अच्छी करते हैं और बहुत सारी उनके पास नॉलेज भी है, इसलिए मैंने उनको पूछा और उन्होंने मुझे जवाब दिया। और एक बात दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो दिमाग एक शैतान का काम करता है, जब कभी आपको कोई टेंशन आ जाए, कोई भी नेगेटिविटी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो अपने दिमाग से कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपके जो सीनियर हैं, आपके जो गुरु हैं, आप जिन्होंने लाइफ में बहुत सक्सेस लेके रखी है, जिन्होंने अचीवमेंट लेके रखी है, जो वायरल हैं या सफल हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, उनसे ऑलवेज पूछना चाहिए। उनको पूछे बगैर आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग से काम करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते और कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। मैं अभी तक अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं मनोज भाई को डायरेक्ट मैसेज करता हूं कि मनोज भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो मुझे बता देते हैं कि अजय आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं टेक्निकल योगी सर को मैसेज कर देता हूं, उनसे मैं पूछ लेता हूं, वो भी मुझे अच्छी तरह से गाइड कर देते हैं और मुझे बता देते हैं कि ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऑलवेज। इसीलिए आपको अपने सीनियर से पूछना चाहिए, उनको पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो अपने दिमाग से आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि दिमाग लगा लगा के आपने इतना दिमाग लगा लिया, कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अपना दिमाग ना यूज करके अपने सीनियर का दिमाग यूज करो, उनके एक्सपीरियंस को फॉलो करो, उनसे गाइडलाइंस लो, उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछो और उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि अपना दिमाग लगाओगे तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल चेंज करने के लिए उनसे
चैटिंग की, उनसे मैंने पूछा और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया और मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसका सिंपल तरीका है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज नहीं करना चाहिए, बस अपने काम पर फोकस रखो और खुद पर विश्वास रखो, आप भी एक दिन सफल हो जाओगे, क्योंकि नाम से कोई लेना देना नहीं होता। अगर काम अच्छा करोगे तो जो आपका नाम है वो ऑटोमेटिक आपका नाम बन जाता है। और मेरा अजय राज प्रजापति नाम है जो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो मैं पागल नहीं हूं कि मैं अपने नाम को चेंज कर दूंगा, बस मुझे बताना था और वीडियो बनाकर दिखाना था कि आप लोगों के माइंड में अगर ये कंफ्यूजन है, अगर ये डाउट है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल मेथड बता देती हूँ, उस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर सकते हो। चैनल का नाम चेंज करने के लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ लॉगिन कर लेना, यानी एप्लीकेशन में आ जाना है मेन आपके डैशबोर्ड पर। उसके बाद जहाँ आपका नाम लिख कर रखा है, देखो जैसे मेरा नाम लिखा है अजय राज प्रजापति, उसके साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो आपके चैनल की सेटिंग खुल जाएगी। और यहाँ नेम के साइड में पेंसिल का डॉट्स है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ मिल जाएगा। तो अगर आपको देखो जैसे अजय राज प्रजापति अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा टेक्निकल, और इतना लिखने के बाद यहाँ मैं ओके कर दूंगा तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। और यहाँ देखो दिखा है कि अगर आप चेंज कर दोगे उसके बाद आप 90 दिन तक चेंज नहीं कर पाओगे, यानी 3 महीने तक आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज नहीं कर पाओगे। इसी तरह से आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज ना करो, जो चल रहा है उसी को रहने दो, बस अपने काम पर फोकस रखो और ज़्यादा किसी में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियोस अपलोड करो और कुछ भी मत करो, और अच्छे से अच्छे कंटेंट अपलोड करो, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।